एवं बाचस्पति कौन देखा कि पदक्षेप नौ देखा कि तो ता नजर रही पारे कि आक्शन नौ निश्चित भाव देखु लंबा समय पर जो अधिवेशन रही सेप्टेम्बर तारीख 13 तारीख दुईट पर्यायर विधानसभा चल 25 तारीख रोच बजेट उपस्थापन हो गोटे दिन आसंता का 24 तारीख तेणु गृह को स्वाभाविक अवस्था को फेरवा गृह को सचल करने बाचस्पति गोटे बड़ भूमिका हेत परवर्त मुहूर्त सर्वदलीय बैठक डाक पारती बाचस्पति जे गृह कार्य स्वाभाविक उद्यम करती कारण ये गोटे बाचस्पति बड़ भूमिका शासक दल गोटे बड़ भूमिका रोचे गृह चलेबार विरोध दल भावे गोटे बड़ भूमिका रोचे विरोध दलर किंतु जो प्रसंग गोटे ओडिशार स्वार्थ दृष्टि विजु जनता दल दाबी करशार स्वार्थ दृष्टि ये प्रसंग ओडिशा ओडिया अस्मितार कथ जेतु ये प्रसंग तेणु ये प्रसंग को नहीं विजु जनता दल आगक जीव जेपर्यंत कौन पदक्षेप नहीं ना सरकार जेपर्यंत कौन कार्युषान नहीं पर्यंत विजु जनता दल आपको प्रसंग कर अड़ी बसी विजु जनता दल जे गिरफ्त कर राज्यपाल पुओ को विरुद्ध में कार्युषान नि जेहेतु दुई दिन धरी तमाम प्रसंग उठी गोटे प्रसंग को नहीं केवल बीजेडी नुह कांग्रेस प्रसंग को धरी गोटे प्रसंग दाबी एवं गिरफ्तारी दाबी जेहेतु दुई विरोधी अटल रही शासक दल ये गोटे नीरव द्रष्टा कहुपर कारण गृह कार्य चली पार ना आज प्रश्नकाल चली पारा ना मूलतवी आलोचना गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जितने कि दरदाम वृद्धि आलोचना हो पारा ना एवं राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ताधाप्राप्त से कथा संसदीय व्यापार मंत्री दावी करेत संसदीय निम उल्लंघन करोधी विधायक गिरफ्त करता दल ओडिया अस्मिता प्रसंग उठाई कुआडे गला ओडिया अस्मिता एवं कांग्रेस स्वर से स्वर मिलाई विजु जनता दल तो आपक देखिए कि अधिवेशन देखी विधानसभा अधिवेशन अनेक हो हल्ला हुए अनेक नाराबाजी हुए जे आप व्यक्तिगत भाव में देखिए कि दृश्य निश्चित भाव में केवे पूर्व देखा मिलता कि आम इस संपर्क आप आलोचना करूँ गोटे छोट ब्रेक आम नहीं जाऊँ खूब शीघ्र फेर छोट ब्रेक गोटे मोटरसाइकेल और कटुरी जबत हो आसला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट मुताबक 2024-25 आर्थिक वर्ष रे भारतर जीडीपी 6.5-7% मध्य रहीपे से चलित आर्थिक वर्ष रे मुद्रास्फीति हार 4.5% होता बेले 2025-26 आर्थिक वर्ष रे मुद्रास्फीति हार 4.1% हेबो बोली आकलन करा जाइछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कहिछन्ति 2022 परठारु भारत रे साधारण लोकंकर निवेश बढ़िछि एथि सहित घरोई क्षेत्ररु निवेश मध्य वृद्धि पाइछि जहां अर्थनीति को बलिष्ठ करी धरि रखिछि। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे जारी रहिछि वर्षा आसंता 27 तारीख पर्यंत हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो किछि स्थानरे प्रबल वर्षा नै सतर्क करिछि पाणिपाग विभाग। वर्तमान लघुचाप छत्तीसगढ़ उपरे सक्रिय रहिछि प्रभावरे राज्यरे आगामी 7 दिन जाए हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा रहिबो विशेषकर दक्षिण और केन्द्रीय ओडिशारे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। बिहारकु मिलिबनि स्वतंत्र दृश्य देखा मिली विधानसभा अधिवेशन चली बाचस्पति माइक को भांगी देखते बीजेडी विधायक बीजेडी विधायक प्रसंग उठाई कुआडे गला आपणकर ओडिया अस्मिता कहीं राज्यपाल पुओं विरोध में कौन प्रकार पदक्षेप नि कौन कहीं कार्युषान जहाँ प्रश्न करजेडी आम देखु कौ भाई भाव में विजु जनता दल मुख्य विरोधी भाव में गृह में निजर आभिमुख्य रखुच्छे अपराह अधिवेशन विधानसभा हो हल्ला नाराबाजी होंगामा देखा मिली आज आरंभ ही गृह कार्य स्थिति देखा मिली गृह कार्य को देखा कि जो भाई शून्य काल में कहीं प्रसंग आलोचना बीजेडी एवं कांग्रेस प्रश्न ओडिया अस्मिता को लेकिन आज गृह स्थिति देखा मिली ध्रुव साहू बीजेडी विधायक देखिए राजनगर विधायक आज बाचस्पति माइक को टाणी चेष्टा करते माइक को टाणी माइक भांगी जाइए तो नजर रोचे कौन देखा कि जेहेतु गृह चलाइवा दायित्व होगी बाचस्पति स्थिति जो माइक भांगी जाइए भांगी देखते ध्रुव साहू कौन देखा कि पदक्षेप नौकर समस्त नजर रही सहित आम अपेक्षा करतिक्रिया को जो
कौन प्रतिक्रिया आसब आज गृह से यह स्थित देखा मिली आम देखु 25 तारीख में बजेट रही राज्य बजेट आसत अनेक देखा कि प्रसंग रही कि अस्मिता प्रसंग को जिते बड़े गृह से बर्तमान मुद्दा कर प्रसंग करजेडी और बीजेडी सहित स्वर से स्वर मिलाई कांग्रेस आज यह स्थित देखा मिली गृह चली पारना बारंबार देखा कि हो हाला देखा मिली आज जिते गृह कार्य चार्टर स्वाभाविक है और हंगामा देखा मिलला और निश्चित भाव ये सका समय से ही विजुआल जिते आज सका पूरा हंगामा देखा मिलला नाराबाजी देखा मिलला और गृह कार्य को स्थगित रखा जाता अपराह चार्टा अधिवेशन जिते आरंभ है आज ध्रुव साहू बीजेडी विधायक राजनगर विधायक पूरा बाचस्पति माइक को भांगी से दृश्य निश्चित भाव में कहीपर यह स्थित आज देखा मिली और प्रसंग कौन रही प्रसंग रही अस्मिता जिते बड़े बर्तमान समय शासक दल को प्रश्न पचारू विजु जनता दल कड़े गला आपणकर अस्मिता कड़े गला ए प्रश्न करूँगी राज्यपाल पुओं विरोध में कार्यानुषाना आम देखु बीजेपी बनाम बीजेडी आज यही स्थित देखा मिली बीजेपी बनाम बीजेडी जिते 24 वर्ष पर राज्य में सत्ता परिवर्तन होई सरकार परिवर्तन होई आम देखु मुख्य विरोधी आसन रही विजु जनता दल समस्त नजर थी विधानसभा बीजेडी आभिमुख्य कौन रही पारे एवं कौ कौ प्रसंग को देखिए मुद्दा करें गृह में विजु जनता दल आम देखु कौ भाव में आग्रेसीव मुड्रे रही विजु जनता दल और विभिन्न प्रसंग उठाऊ विशेष करके आम देखा दु जन नेता जो नवीन पटनायक नजर रही अनेपटे पूरा मोहन सरकार के क्षेत्र में कड़े गला ओडिया अस्मिता जहाँ प्रश्न करें देखु गृह कार्य सठिक ढंग से चली पारना एवं जो प्रसंग में बर्तमान अड़ बस विरोधी कहीं देखा कि जेहतु विभिन्न प्रसंग रही आग को बजेट रही किंतु ओडिया अस्मिता को बर्तमान देखा कि बड़ प्रसंग करजु जनता दल कांग्रेस विजु जनता दल स्वर से स्वर मिलाई पूरा आग्रेसीव मुड्रे पूरा आम कहीपर हुमवर्क सहित विजु जनता दल पूरा गृह को तैयार करके आसी ओडिया अस्मिता को लेकिन आज गृह से यह स्थित देखा मिली मोहन माझी नवीन पटनायक बीजेपी बनाम बीजेडी आज यही स्थित देखा मिलला और ध्रुव साहू राजनगर विधायक जिते ओडिया अस्मिता प्रसंग को लेकिन पूरा माइक टाणी आने बाचस्पति माइक टी भांगी जाए तो आज यही स्थित देखा मिलला ठीक ढंग से गृह चली पारना आरंभ नाराबाजी देखा मिलू हो हाला देखा मिलू तुम्बी तोफान हो गृह कार्य गृह अनेक प्रसंग उठी पारना बीजेडी निश्चित भाव में यह संपर्क में प्रतिक्रिया अपेक्षा रही रविदास वरिष्ठ सांबादिक आम सहित जोड़ी होती सुप्त दास आज गृह से ओडिया अस्मिता आपण कड़े गला कहीं राज्यपाल विरोध में पुओं विरोध में कार्यानुषाना बीजेडी आज यह स्थित देखा मिली ओडिशा विधानसभा हंगामा ध्रुव साहू राजनगर विधायक आज बाचस्पति माइक को भांगी आपणकर पूरा घटना कोमी देखते वरिष्ठ सांबादिक भाव में नहीं विरोधी मान जो प्रसंग उठाई हुए तो यथार्थ ही पारे कि बाचस्पति माइक भांगी दवा के बारे मोर कहता हे गृह विरोध नेता नवीन पटनायक ये 24 वर्ष काल मुख्यमंत्री थे आम सब जानते सी गृह से सब बेले परामर्श दिखती गृह से श्रृंखला प्रसंग ठीक है पारे राज्यपाल पुओं प्रसंग कह जो कथा कहले पारे किंतु नाराबाजी भी जी पर्यत स्लोगान भी देने ता भी सतत तो। किंतु यही पर्यटन जाए बाचस्पति माइक भांगे आउ कौन कार्य करवानी मुझे कि बुझी पारे मुझे नवीन पट्टनायक विरोधी नेता भितरे कि आचरण टा मुझे आद ग्रहणीय नुहे कारण सी जानते मानने जहाँ है प्रसंग गुरुत्वपूर्ण हो पाए निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण यार यथार्थ उत्तर सरकार पक्ष दवा उचित कितु या विधानसभा या केन्द्र करंगामा करवा बाचस्पति माइक भांगी दवा यह दृश्य कौन प्रकार ग्रहणीय नुहे ये आचरण टाकू आद ग्रहणीय नुहे निजे मुझे नवीन पटनायक विरोधी दल नेता थी बेले दल सदस्य मैंने इपरी आचरण करेंगे मुझ आद भावनि ये आद ठीक आद नुहे मुझे नवीन पटनायक हस्तक्षेप करवा उचित यह आचरण बस दे प्रसंग उठाऊ प्रसंग उठाई पारे प्रसंग सा ना पर्यत किस समय गृह को स्टल करेंगे कितु एक आचरण करे आह कि आलोचना हो पार ना यही प्रसंग को जीवे मुझुची एथेर विरोधी दल जे पार्लमेंट अफेयर्स मिनिस्टर अच्छा सी मत हस्तक्षेप करवा उचित गृह से नहीं कि कांड सृष्टि हवा आद ग्रहणीय नुहे विशेष भाव जेहेतु नवीन पटनायक
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ବହୁ କୁହାଯାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଦଳର ନେତା ସେ ଚବିଶ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଗୃହର ନେତା ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏପରି ଆଚରଣ ଜମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସରକାର କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି ତା ବି ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି ବାହାରେ ଯିବା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଯାଏ, ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଖୋଦ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସୂଚାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଏ ଯେ ମୋର କହିଲି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବିଧାନସଭା ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ବହୁତ ବାର ହେଇଛି, ଘଟଣା ହେଇଛି ଅନୁମାନ। କିନ୍ତୁ ମୋର କାଗଜ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରତା ସହିତ ହବ, କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଚବିଶ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସେ ସେଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାରି ଆଚରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହଉଛି, ଏଇ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କି? ବିଜେଡି ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି? ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ଗୃହରେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ତା ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ବା ଘଟଣାର ଅବସାନ ଦେଇ। ଦେଖିଥିଲୁ ଗତକାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଉଭୟ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ୍ରେ, ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଠିକ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଲେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯିବେ? ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆଇନ ଭାବେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହବ, ଏ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥା ସେ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୟାକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ସମୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବାରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପରି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ, ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। ମହେଶ ଆମ ସହିତ ବିଧାନସଭା ପରିସରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମହେଶ, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍କୁ, ପୁରା ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନେ, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆଜି ଦେଖିବା କି ମାଇକ୍କୁ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମହେଶ ଆପଣ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଏବଂ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଧ କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଯେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଗୃହ ଚାଲିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଚାରିଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ରାଜଭବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକି ଗୃହରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜନଗରରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ସିଏ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଜଗେଶ ସିଂ, ସିଏ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଡ଼ିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁକି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ନେଇକି ଯେଉଁ ମୋସନ ଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବା ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କର, ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସେ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ, ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନକ୍ସା ଆଙ୍କିଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସିଏ ପୁରା ଧୋଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାର ଏ କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ
को जो भाई भाव में गत काली विरोधी दल नेता नवीन पटनायक जो राज्यपाल अभिभाषण को जो विरोध करते गोटे अवरोध करते दंडनीय अपराध तेनाली विरुद्ध में जो कहूँ गिरफ्त कर दावी करते संसदीय व्यापार मंत्री और अंपक्ष जो प्रत्येक शिक्षा कथा कह प्रत्येक जो आसंता दुई वर्ष भितर षाठी लक्ष निजुक्ति देवा कथा कहु और पचीस लक्ष लक्षपति दीदी सृष्टि कथा कहूँ शिक्षा स्वास्थ्य कथा कहूँ और विकसित ओडिशा नहीं कि राज्यपाल जो नक्सा आंकी प्रत्येक बिंदु उपर जो सीता वक्तव्य रखता प्रत्येक बिंदु वक्तव्य रखा सहित विरोधी दल को कड़ा समालोचना करुले संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महाली जो प्रसंग देखा कि सरकारी दल को घेरी आज देखिए कि समान प्रसंग में गृह राज्य हो हल्ला करते विजु जनता दल सदस्य मैंने विरोधी दल पक्षर और ध्रुव साहू माइक भांगी दे खबर आसू बड़ कथा आम देखु विजु जनता दल प्रथम भाव विरोधी दल भूमिका देखा मिली पूरा एग्रेसिव मोड को ओह्ल कि विजु जनता दल आक्ट मोड को कहीं ओडिया अस्मिता प्रसंग में आज दिन तमाम देखिए कि गृह कार्य स्वाभाविक हो पारे ना निश्चित भाव में गौतम दधा टिके जो कहते हैं जिते बीजेडी को जितेबले गृह भितर संसदीय व्यापार मंत्री जितेबले कड़ा समालोचना करुले गृह बाहर या भितर से नहीं वरिष्ठ विधायक नयागढ़ विधायक अरुण साहू को प्रतिक्रिया हस्तगत होती अरुण साहू कहते जे ये नुआ नुआ भारतीय जनता पार्टी सरकार को आ सरकार चलेबारे अभिज्ञता नहीं अनभिज्ञ रही विधानसभा को सुरखुरी चलेबा नहीं कि जो कार्य परामर्शदाता कमिटी जो गठन कर कथा वर्तमान सुधा होना तेणु तुरंत कार्य परामर्शदाता कमिटी बैठक डाकतु और गृह को अर्डर आणतु और अंपक्ष जो कथा कहे विरोधी दल नेता गिरफ कर कथा संसदीय व्यापार मंत्री जहाँ उठाते हास्यास्पद कहते कारण संसदीय विधि व्यवस्था प्रत्येक लोकर गणतांत्रिक उपाय जो विरोध करार अधिकार रही एक कथा अंपक्ष जो कथ कहते ओडिया अस्मिता कारण जितेबले जो आप सर्वदलीय बैठक सर्वदलीय बैठक पूर्व जितेबले बसीला विजु जनता दल विधायक दल बैठक बसीला और सेतेबले ही सेमाने तांकर रणनीति प्रस्तुत करते जो रणनीति कथा जदि आप देखिए जे पूर्वर के प्रसंग नहीं कि सेमाने सरकार को घेरिबे ता भितरे एहाकु जेहेतु निकटरे ए घटनाटी घटी तेणु ताकु गोटे मुख्य प्रसंग करिछि एवं ए प्रसंग को ओडिया अस्मिता सहित विजु जनता दल जोड़ा चाहिए जिते ओडिया अस्मिता नारा देखी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को विजु जनता दल बीजेडी स्वर सहित स्वर मिलाई कांग्रेस आज गृह स्थित देखा मिली महेश दिग्गर सरकारी दल पक्ष कौन प्रतिक्रिया नाक आप चेषा करते कि कौन प्रकृति में कहुच कहीं गृह जितेबाद देखिए कि स्थित देखा मिली जो बाचस्पति माइक को भंगा जाचस्पति होती गृह सर्वेसर्वा कौन आक्शन दिखाई बाचस्पति डिपेंड कर दिग्वे किसी प्रतिक्रिया मिल पारी सरकारी दल पक्ष देखो बाचस्पति माइक भांगा ये पूर्वर मैं बहुबार ए गृह देखा जातर जब आप देखिए अतीतर जितेबाला विजु जनता दल सरकार से विरोधी दल पक्ष बारंबार माइक भंगा जा जो घटना जदि कह ये गोटे विरोध करवाचस्पति पडियम उपरकू उठवा बाचस्पति माइक टाणी आने ये सब